हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से। और इसे देख सकते हैं, सेट फोर है। सेट फोर आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट डैम्स प्रोजेक्ट एंड पोर्ट्स। हम लोग 1, 2, 3 सेट को देख चुके हैं ज्योग्राफी से, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे सेट वन में हिमालयन रिवर को, सेट टू में डिस्कस किए थे पेनिनसुला रिवर को, एंड सेट थ्री में डिस्कस किए थे लेक्स, वाटरफॉल्स एंड ग्लेशियर्स। और सेट फोर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डैम्स प्रोजेक्ट एंड पोर्ट्स, जो आरआरबी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए थे और रिलेटेड पॉइंट भी डिस्कस किए थे। तो जो अभी तक नहीं देखे हैं उन सारे वीडियो को, उसे भी जाके देखिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर डैम प्रोजेक्ट एंड पोर्ट्स से। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन विच स्टेट इज़ कोयना डैम लोकेटेड? कोयना डैम कौन सा स्टेट में लोकेटेड है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र एंड डी गुजरात। द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। कोयना डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर कोयना एंड लोकेटेड इन महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड रिजर्वर बिल्ट अक्रॉस द रिवर, हीराकुंड रिजर्वर या हीराकुंड डैम कौन सा रिवर के अक्रॉस बिल्ड किया गया है? ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी एंड ऑप्शन डी नर्मदा। द करेक्ट आंसर इज महानदी। हीराकुंड डैम या हीराकुंड रिजर्वर महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है। एंड यहाँ पर इससे एक पॉइंट और याद रखिए, हीराकुंड डैम इज़ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो हीराकुंड डैम इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज नॉट ऑन द रिवर नर्मदा? जो चार ऑप्शन में डैम्स दिया गया है उनमें से कौन सा डैम रिवर नर्मदा पे नहीं है? आरआरबी 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, कोयना डैम, ऑप्शन बी इंदिरा सागर डैम, ऑप्शन सी सरदार सरोवर एंड ऑप्शन डी गांधी सागर। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग देखे थे कोयना डैम के बारे में, कोयना डैम कौन सा रिवर के ऊपर बना है, कोयना रिवर के ऊपर बना है, तो डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा कोयना डैम रिवर नर्मदा के ऊपर नहीं बना है। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयना। यहाँ पे देख सकते हैं, कोयना रिवर इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर कोयना। कोयना रिवर कृष्णा रिवर का एक शाखा या उपनदी है, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। द नाग अर्जुन सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, नाग अर्जुन सागर डैम कौन सा रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है? आरआरबी 2011 का क्वेश्चन है ये। तो नाग अर्जुन सागर रिवर कृष्णा के ऊपर बनाया गया है। करेक्ट आंसर इज रिवर कृष्णा, नाग अर्जुन सागर डैम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिहांद डैम इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ, रिहांद डैम कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है या लोकेटेड है? आरआरसी 2012 का क्वेश्चन। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो रिहांद डैम इज द इम्पोर्टेंट डैम ऑफ उत्तर प्रदेश, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। ऑन विच रिवर इज द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट बिल्ट? भाखरा नंगल प्रोजेक्ट इंडिया का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक है, कौन सा रिवर के ऊपर बिल्ड किया गया है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी झीलम, ऑप्शन सी ब्यास एंड ऑप्शन डी सतलज। द करेक्ट आंसर इज सतलज। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन। गांधी सागर डैम इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग? गांधी सागर डैम एक पार्ट है, एक अंश है, एक हिस्सा है, इनमें से कौन से प्रोजेक्ट का? ऑप्शन में दिया हुआ है, चंबल प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी कोसी प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी दामोदर वैली प्रोजेक्ट एंड ऑप्शन डी भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। आरआरसी 2012 का क्वेश्चन है। तो गांधी सागर डैम एक अंश है, एक पार्ट है चंबल प्रोजेक्ट का। द करेक्ट आंसर इज चंबल प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। दी जयकवाड़ी प्रोजेक्ट विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट
इज ऑन द रिवर। इंडिया का एक लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जायकवाड़ी प्रोजेक्ट है, वो कौन सा रिवर पे बना है? द जायकवाड़ी प्रोजेक्ट विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। तो जायकवाड़ी प्रोजेक्ट के लिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी तापी। द करेक्ट आंसर इज गोदावरी। गोदावरी रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर हाउसेज इज आर एसोसिएटेड विथ दामोदर वैली प्रोजेक्ट? दामोदर वैली प्रोजेक्ट के साथ में इनमें से कौन कौन सा एसोसिएटेड है? नंबर वन में दिया हुआ दुर्गापुर, नंबर टू चंद्रापुर, नंबर थ्री मैथोन एंड नंबर डी हम्पी। अब आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। RRC 2012 का क्वेश्चन है। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट ऑप्शन से हम लोग को पता चल रहा है ये हम्पी, इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका। फिर हम लोग जानते हैं कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल एंड झारखंड का कुछ हिस्सा को शेयर करता है, यानी वेस्ट बंगाल और झारखंड में है, और ये हम्पी लोकेटेड इन कर्नाटका। तो डेफिनेट बात है कि हम्पी नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा दामोदर वैली प्रोजेक्ट एसोसिएटेड किससे है? नंबर वन से भी है, नंबर टू से भी है, नंबर थ्री से भी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। तो ये था डिफरेंट प्रोजेक्ट या डैम से क्वेश्चन। अब हो सकता है कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस अगर यहाँ से करें तो हम लोगों को कुछ और इंडिया का डैम्स एंड प्रोजेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे एक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे नोट डाउन करके रखिए, हो सकता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया, सबसे पहले देखते हैं कोनार रिवर, कोनार पे बना है। कोनार रिवर एक ट्रिब्यूटरी रिवर है दामोदर का, लोकेशन झारखंड। सेकंड तेहरी डैम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में तेहरी डैम पूछा जाता है, भागीरथी रिवर के ऊपर बना है, लोकेशन उत्तराखंड। नेक्स्ट मैसेंजर डैम और इसी का ही दूसरा नाम है कनाडा डैम, मोराक्खी रिवर के ऊपर बना है, लोकेशन झारखंड। नेक्स्ट मैथोन डैम बाराकर रिवर के ऊपर, बाराकर रिवर हम लोग जानते हैं दामोदर का एक शाखा नदी है, लोकेशन झारखंड इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट इदुक्की डैम पेरियर रिवर के ऊपर, इदुक्की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इदुक्की डैम कौन सा रिवर के ऊपर बना है? पेरियर एंड लोकेशन केरला। नेक्स्ट पोंग डैम और महाराणा प्रताप सागर, पोंग डैम का ही दूसरा नाम महाराणा प्रताप सागर, ब्यास रिवर के ऊपर, लोकेशन हिमाचल प्रदेश। तो इन सारे डैम्स को भी आप लोग नोट डाउन करके रखिए, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, या नेक्स्ट टॉपिक जो था हम लोग का पोर्ट। तो पोर्ट का पहले थोड़ा सा हम लोग लिस्ट देखते हैं, इंडिया में मेजर पोर्ट कौन कौन सा है। तो इंडियन पोर्ट्स को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक को कहेंगे ईस्ट पोर्ट या ईस्टर्न पोर्ट और दूसरा को कहेंगे वेस्टर्न पोर्ट। ईस्टर्न पोर्ट पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा पोर्ट है। सबसे पहले देखिए मैप में कोलकाता और हल्दिया, नेक्स्ट प्रदीप, उसके बाद विशाखापट्टनम, उसके बाद इन्नौर, उसके बाद चेन्नई और सबसे नीचे तूतीकोर्णी। अब इसका लोकेशन हम लोग जरा सा देख लेते हैं, कोलकाता और हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल, प्रदीप पोर्ट उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई एंड इन्नौर ये दोनों ही पोर्ट तमिलनाडु में है, एंड तूतीकोर्णी भी तमिलनाडु में है। तो इन तीनों पोर्ट का हम लोग लोकेशन देख लिए, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम का लोकेशन आंध्र प्रदेश, प्रदीप उड़ीसा, कोलकाता और हल्दिया वेस्ट बंगाल। तो ईस्टर्न साइड का पोर्ट हम लोग देख लिए, अब देखते हैं हम लोग वेस्टर्न साइड में कौन कौन सा मेजर पोर्ट है। सबसे ऊपर में मैप में देखते हैं कैंडला पोर्ट। अच्छा, कैंडला पोर्ट का ही दूसरा नाम अभी रीनेम किया गया है, उसको भी आप लोग नोट डाउन करके रखिए, उसका नाम हो गया अभी दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। तो कैंडला पोर्ट का है या दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का है, एक ही बात है, लोकेशन इसका है गुजरात। नेक्स्ट उसके नीचे में हम लोग देखते हैं मुंबई पोर्ट, तो डेफिनेट बात है मुंबई का लोकेशन होगा महाराष्ट्र। उसके नीचे में देखिए एक पोर्ट है जे एन पी टी का मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसी का दूसरा नाम है नव सेवा। आप लोग चाहे तो इसे नोट डाउन करके रखिए, जे एन पी टी का ही दूसरा नाम है नव सेवा।
और इंडिया का हाईएस्ट टेक्निकल पोर्ट इसी को ही कहा जाता है, नवसेवा को। इसका भी लोकेशन है महाराष्ट्र में। उसके नीचे में आते हैं मोरनागांव, इसका लोकेशन है गोवा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट नीचे में एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट या मेजर पोर्ट, न्यू मैंगलोर या मैंगलोर सिंपली, इसका लोकेशन है कर्नाटका। एंड सबसे लास्ट में आते हैं कोचीन, इसका लोकेशन है केरला। तो हम लोग ईस्टर्न साइड पोर्ट देख लिए, ईस्ट कोस्ट में कौन कौन सा पोर्ट है एंड इंडिया के वेस्ट कोस्ट में कौन कौन सा पोर्ट है, और इसका लोकेशन भी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो इन सारे पोर्ट को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और बनता है यहाँ से क्वेश्चन। अभी हम लोग देखेंगे आरआरबी या आरआरसी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक और याद रखना है, ईस्टर्न साइड में जितने सारे पोर्ट है उसमें से विशाखापट्टनम पोर्ट इकलौता ऐसा पोर्ट है जो नेचुरल है, और बाद बाकी जितने सारे पोर्ट है वो सारे आर्टिफिशियल है। आई रिपीट, फिर से याद रखिए, विशाखापट्टनम इज़ द ओनली नेचुरल पोर्ट इन ईस्ट कोस्ट एंड ऑल अदर्स आर आर्टिफिशियल पोर्ट। अब आते हैं हम लोग वेस्टर्न साइड में देखते हैं, वेस्टर्न साइड में जितने सारे पोर्ट हैं वो सारे नेचुरल पोर्ट हैं, सिर्फ न्यू मैंगलोर आर्टिफिशियल पोर्ट है। फिर से बता रहे हैं, न्यू मैंगलोर आर्टिफिशियल पोर्ट है और ईस्टर्न साइड में जितने सारे पोर्ट है वो सारे पोर्ट नेचुरल है। तो ईस्ट कोस्ट में हम लोग देखें, ईस्ट कोस्ट में जितने सारे पोर्ट है सारे आर्टिफिशियल, लेकिन नेचुरल एक पोर्ट है वो विशाखापट्टनम नेचुरल है। वेस्ट कोस्ट में जितने सारे पोर्ट है सारे नेचुरल है, बट न्यू मैंगलोर या मैंगलोर आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन अक्सर बनता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट डज नॉट हैव ए नेचुरल हार्बर, कह रहा है कि इनमें से कौन सा पोर्ट का नेचुरल हार्बर नहीं है। आरआरसी 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ कोची, कोची हम लोग जानते हैं वेस्टर्न साइड का पोर्ट है, नेचुरल होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है मुंबई, मुंबई भी वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड है, ये भी नेचुरल है। मद्रास, मद्रास दैट मीन्स चेन्नई, जो चेन्नई पोर्ट अभी हम लोग पढ़े थे ईस्टर्न ईस्ट साइड में, उसी का ही दूसरा नाम मद्रास है। एंड ईस्ट साइड में एक पोस्ट और दिया हुआ ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे विशाखापट्टनम इकलौता वेस्टर्न साइड ईस्टर्न साइड का पोर्ट है, विशाखापट्टनम इकलौता ईस्टर्न साइड का पोर्ट है जो नेचुरल है। एंड ऊपर का जो दो पोर्ट दिया हुआ, ये दोनों पोर्ट वेस्ट कोस्ट में लोकेटेड है, तो ये नेचुरल होगा ही। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, मद्रास। मद्रास या चेन्नई एक ऐसा पोर्ट है जिसका हार्बर नेचुरल नहीं है, डज नॉट हैव ए नेचुरल हार्बर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द नेचुरल सी पोर्ट इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में नेचुरल सी पोर्ट कौन सा है। अभी अभी आप लोगों को बताए थे ईस्टर्न कोस्ट में विशाखापट्टनम के अलावा बाद बाकी जितने हैं सारे आर्टिफिशियल हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि सी पोर्ट में नेचुरल कौन सा है, तो डेफिनेट बात है हम लोग का आंसर विशाखापट्टनम हो जाएगा। ये भी आरआरसी 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मोरमुगांव पोर्ट इज लोकेटेड इन, हम लोग लोकेशन में पढ़े थे मोरमुगांव या मोरनागांव पोर्ट कौन सा स्टेट में लोकेटेड, गोवा में। तो आंसर इज गोवा, आरआरसी 2012 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसे कहा जाता है, तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है कोची पोर्ट को। आंसर इज ऑप्शन सी। तो हम लोग देख चुके आरआरबी या आरआरसी में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है पोर्ट या फिर डैम या प्रोजेक्ट से। तो इन सब को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग इसे नोट डाउन करके रखिए, और अगर इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर आपको नेक्स्ट वीडियो ईजिली उपलब्ध हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाई।